हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप सामने देख पा रहे हैं, आज हम मॉडल एक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल एक्सिलरीज तो क्वेश्चन उठता है कि ये मॉडल एक्सिलरीज हैं क्या। तो इसको समझने के लिए, इसको बेहतर समझने के लिए इसे हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला शब्द मॉडल, दूसरा एक्सिलरीज। जो वर्ड एक्सिलरीज है इसकी हिंदी होती है सहायक, हेल्पिंग। हाँ जी, सहायक। तो मॉडल एक्सिलरीज अगर पूछा जाए क्या है, तो ये विशेष प्रकार की सहायक क्रिया है। जिस प्रकार से सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से मॉडल एक्सिलरीज भी है। बस अंतर यह है कि सहायक क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं, जबकि मॉडल एक्सिलरी पर अपने सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सहायक क्रियाएं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं, जबकि मॉडल एक्सिलरीज पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप ये एक सामने देख पा रहे हैं, कार्टून बना हुआ है और उस पे डायलॉग लिखा हुआ है, बार्ट यू मस्ट गो आउट ऑफ दिस रूम। यहां पर ये छोटा बच्चा बार्ट है और उससे कहा जा रहा है कि तुम्हें इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए। तो यहां पर यू और गो, यू है सब्जेक्ट और गो है वर्ब, इन दोनों के बीच में लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो मस्ट यहां पर मॉडल एक्सिलरी है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो मॉडल एक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बस इन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो सेम होते हैं। Now let's see how models is used in above slide and why it is used. तो हम आगे की स्लाइड्स में मॉडल एक्सिलरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडल एक्सिलरीज को मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। तो हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला, इसके डेफिनेशन की, मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं, डेफिनेशन। सेकंड, स्ट्रक्चर की कहां पर इसका यूज होता है। और थर्ड में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज। तो मॉडल एक्सिलरीज के क्लास में आपको वर्कबुक नहीं मिलेगी, आपको अपनी नोटबुक में ही लिखना होगा, अपनी कॉपी में ही नोट्स बनाना होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन नोट नहीं करिएगा, समझिएगा। अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मींस ये मॉडल वर्ब जो है ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही है। दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, डैश 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 एटसेट्रा, जिसका प्रयोग या तो क्षमता या आज्ञा या संभावना या फिर ऐसी ही अनेक भावनाओं को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी साफ साफ इसकी डेफिनेशन में है कि ये विशेष प्रकार की सहायक क्रिया है और जो आज्ञा, संभावना, क्षमता या ऐसी ही भावनाओं को दर्शाता है। तो कॉपी पे इसे अब नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे। कॉपी पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मॉडल एक्सिलरीज, हेडिंग डाल देंगे मॉडल एक्सिलरीज, नीचे हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन और डेफिनेशन में यही डेफिनेशन लिखेंगे, अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब,
that is used to indicate ability, permission, possibility, etc. आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आप सामने एक देख पा रहे होंगे एनिमेशन, लिखा हुआ है टू ऑफ माय फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार, मेरे दो दोस्त गिटार बजा सकते हैं। तो यहां पर सेकेंड वाली लाइन में जो कैन आप देख रहे हैं ये मॉडल एक्सिलरी है, और ये मॉडल एक्सिलरी क्या दिखा रहा है, नीचे रेड कलर से मैंने लिखा है एबिलिटी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मॉडल एक्सिलरी कुछ भावनाओं को दिखाता है जो कि डेफिनेशन में है। तो ये था मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो अपनी नोटबुक में लिखेंगे लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ने हैं अभी हम केवल प्रेजेंट वाली पढ़ेंगे और फिर इनका पास्ट बनाना बताएंगे आगे की क्लासेस में। तो पहला है कैन, दूसरा कुड, तीसरा मे। हाँ, एक तरफ से लिस्ट बना लेंगे आप जो जो मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, पहला कैन, सेकेंड कुड, थर्ड मे, फोर्थ माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, और लास्ट है मस्ट। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स हमें पढ़ने हैं। This all can be called models. तो ये सारे के सारे आप लिस्ट बना लीजिए कॉपी पे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, और लास्ट है मस्ट। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं मॉडल का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके ठीक बाद मॉडल वर्ब लगता है, फिर मेन वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है कॉपी पे, केवल आप समझिए कि मॉडल वर्ब का यूज होता कहां पर है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, मींस जहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। आप नीचे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यूज द बेसिक फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। तो जितने भी सिंपल मॉडल एक्सिलरी हैं, जो एक शब्द वाले मॉडल एक्सिलरी हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये कॉपी में नहीं लिखना है, नीचे जो है उसको नोट कर लीजिए, यूज द बेसिक फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। यूज द बेसिक फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब्स।
तो इसके बाद हम एक एक मॉडल एक्सिलरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने पढ़ा मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन कि ये कुछ नहीं है, केवल ये विशेष प्रकार की सहायक क्रिया है। फिर आपने पढ़ा स्ट्रक्चर कि ये कहां पे यूज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सहायक क्रिया की स्थान पर। और फिर आपने पढ़ा कि जितने भी सिंपल मॉडल एक्सिलरी हैं, एक शब्द वाले हैं, उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज, कि मॉडल्स का यूज हम कैसे करें। ठीक है, तो सारे मॉडल्स का यूज हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप समझते चलिएगा और फिर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। सामने आप देख पा रहे हैं, पहला है यूज ऑफ कैन। तो कॉपी पे हेडिंग डालिए यूज ऑफ कैन, अपनी नोटबुक पे हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ कैन। इसके आगे अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सामने स्लाइड की तरफ ध्यान दीजिए या मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो कैन के कुल तीन यूजेस हैं, कितने यूजेस, तीन। इसमें मेन यूज एक है और दो अदर यूजेस हैं। तो कैन का मेन यूज आप सामने देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एबिलिटी, दिखाई पड़ा। हाँ, इसी एबिलिटी को कैपेसिटी भी कहा जाता है या कैपेबिलिटी भी। तो कैन का मेन यूज कैपेसिटी या एबिलिटी या क्षमता को दिखाना है, ठीक है। तो यूज ऑफ कैन में नंबर वन करके आप डैश देकर लिखेंगे एबिलिटी, वन डैश देकर एबिलिटी, ए बी आई एल आई टी वाई, और ब्रैकेट में लिखेंगे मेन यूज। तो आप समझ जाइए कि कैन का मेन यूज क्या है, एबिलिटी मींस क्षमता दिखाने के लिए। जब कभी भी हम अपनी क्षमता दिखाते हैं तो कैन का यूज करते हैं। कुछ किताबें या कुछ टीचर्स बोल देते हैं कैन का मतलब होता है सकना, तो दिमाग में इन चीजों को आप नहीं रखेंगे। कैन का मतलब सकना वगैरह नहीं होता है, बल्कि ये एबिलिटी को दिखाता है। फिर उसके आगे देखिए, मैंने दो यूजेस लिखे हैं, एबिलिटी और ब्रैकेट में मेन यूज आप लिख चुके, तो नीचे दो यूज लिखिए। पहला, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, नीचे से लिखिए पहला एग्जांपल, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है। सेकेंड, संजय कैन ईट 20 समोसाज, तो ये संजय की क्षमता है कि वो 20 समोसे खा सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। तो मेन यूज कैन का था एबिलिटी, अब सेकेंड यूज लिखिए, दूसरा और तीसरा अदर यूजेस हैं। तो सेकेंड यूज है आस्किंग फॉर परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी, आस्किंग फॉर परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए। इसमें आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो किसी से भी आज्ञा मांगने के लिए कैन का यूज नहीं होता। हां, समझ लीजिए इसको, किसी से भी अगर आप आज्ञा मांग रहे हैं तो वहां पे कैन नहीं लगाएंगे, बल्कि वहां पर कैन लगाएंगे जहां पर आप बहुत ही क्लोज हैं, जहां दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा दो जगह होता है, दोस्तों के साथ और परिवार के साथ। तो जब अपने दोस्तों से आज्ञा मांगेंगे या फैमिली मेंबर से आज्ञा मांगेंगे तो उसके लिए कैन का यूज करेंगे। तो आस्किंग फॉर परमिशन आपने लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली।
और नीचे दो एग्जांपल लिखिए। कैन आई टेक योर बुक, निश्चित रूप से ये हम अपने दोस्त से कह रहे हैं, नहीं तो हम कैन लगाते ही नहीं। या कैन आई कम इन, इसमें भी या तो दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, अगर टीचर होता या कोई अजनबी होता तो कैन नहीं लगता। दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, कैन आई टेक योर बुक, सेकेंड कैन आई कम इन। तो कैन का मेन यूज है एबिलिटी दिखाना और दूसरा यूज है परमिशन मांगने के लिए दोस्तों और परिवार वालों से। तीसरा यूज लिखिए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट अब आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट लिखने के बाद सामने ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की तरफ, रिक्वेस्ट और परमिशन में अंतर समझिए। परमिशन में आप अपने खुद से करने के लिए कुछ मांगते हो कि मुझे अनुमति दीजिए मैं ये करना चाह रहा हूं, और रिक्वेस्ट में आप खुद नहीं करना चाहते हो बल्कि सामने वाले से कुछ करने के लिए निवेदन करते हो। तो जब खुद करने के लिए आप निवेदन करेंगे कि मैं ये करना चाह रहा हूं तो वो होगा परमिशन, और जब आप सामने वाले से कुछ करवाना चाहेंगे और उसके लिए निवेदन करेंगे तो वो होगा रिक्वेस्ट। क्लियर हुआ? तो परमिशन और रिक्वेस्ट इन दोनों के लिए कैन का यूज होता है, लेकिन दोनों में ही जिससे आप बोलेंगे वो आपका करीबी होना चाहिए, किसी अजनबी से नहीं। तो रिक्वेस्ट के दो एग्जांपल हैं, दोनों नीचे लिख लीजिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, सेकेंड कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हैं। लिख लीजिए, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी योर पेन। तो ये थे तीन यूजेस कैन के। तो कैन का तीनों यूज आप याद रखिएगा, एबिलिटी के लिए क्लोज मेंबर्स मींस फैमिली और फ्रेंड्स से परमिशन के लिए, और साधारण रिक्वेस्ट के लिए। तो सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग। Use of could, could का प्रयोग। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं ये can का past है, तो याद रखिएगा model auxiliaries में ये can का past नहीं है, ठीक है, बल्कि ये भी क्षमता ही दिखाता है, उसको हम बोलते हैं चेक्ड एबिलिटी। कैसी क्षमता? जिसे हमने परख लिया हो, जिसे जांचा जा चुका हो। जैसे दो वाक्य मेरे सुनिए, मैंने पहला कहा, मान लीजिए कोई बफे था, बुफे सिस्टम का भोजन था, और मैंने घुसते ही कह दिया कि मैं तो भाई 20 रोटियां खा सकता हूं, तो मैंने एक ऐसे ही बोल दिया कि भैया मेरी क्षमता कितने रोटी की है, 20 रोटी की, तो यहां कैन लगेगा, आई कैन ईट 20 ब्रेड्स। और जब मैं सच में खाने गया तो मैं देखा कि मैं 12 ही रोटियां खाया और उसके बाद मेरी हालत खराब हो गई, तो फिर किसी ने पूछा भैया कितनी रोटी खा पाए, तो मेरे मुंह से निकलेगा यार मैं तो 12 रोटियां ही खा सका। तो चेक्ड एबिलिटी 12 रोटी की है जो परखी गई है, और ऐसे कहने को तो मैं 15, 20, 25, 50 कुछ भी रोटी कह दूं। तो अगर आप बिना जांचे परखे कोई भी क्षमता बता रहे हैं तो कैन,
लेकिन अगर वो जांच ली गई तो वो कैन नहीं बल्कि कुड। तो मैं 15 रोटियां खा सकता हूं या मैं 20 रोटियां खा सकता हूं, कैन लगेगा। मैं केवल 12 ही रोटी खा सका, केवल कितनी खा सका, 12। अब खा सका से लग रहा है कि मैं इसे चेक कर लिया हूं, तो यहां कैन नहीं बल्कि कुड। तो इसी को गलती से कई लोग पास्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुड का यूज पहला लिखिएगा, चेक्ड एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिसे परखा जा चुका हो। चेक्ड एबिलिटी, ब्रैकेट में लीजिएगा, मेन यूज, यही मेन यूज है इसका। चेक्ड एबिलिटी, इसका मतलब होता है ऐसी क्षमता जिसे परखा जा चुका हो। चेक्ड एबिलिटी। अब आप सामने देख पा रहे हैं, एक बंदा है और इसने किसी से कहा होगा कि भैया मैं तो 7 बर्गर खा सकता हूं। कितना खा सकता हूं? 7। तो यहां पे कैन लगेगा 7 बर्गर खाने में। लेकिन जब इस खुद सही में खाना शुरू किया तो इसने देखा कि ये केवल 2 ही खा पाया, तीसरे में हालत खराब हो गई। तो अगर इसे कहना है कि मैं केवल 2 ही बर्गर खा सका, तो यहां कैन नहीं बल्कि कुड। तो एग्जाम्पल देखिए, आई कुड ईट ओनली 2 बर्गर्स। आई कुड ईट, हाँ नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में चेक्ड एबिलिटी के नीचे आई कुड ईट ओनली 2 बर्गर्स। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, टोफू कैन ड्रिंक ओनली 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहां पे ये सेंटेंस गलत है क्योंकि टोफू केवल 2 ही लीटर दूध पी सका। केवल ये कितना पी सका? 2 लीटर। कैसे पता चला कि केवल 2 ही पी सका? क्योंकि यहां पे ओनली शब्द लगा है। क्या लगा है? ओनली। तो ओनली दिखा रहा है कि ये जांची हुई क्षमता है, तो यहां पे कैन नहीं होगा बल्कि कैन की जगह क्या होगा? कुड होगा। टोफू कुड ड्रिंक ओनली 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो इस एग्जाम्पल को कुड करके लिखेंगे, टोफू कुड ड्रिंक ओनली 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो कैन का यूज कोई भी क्षमता बताने के लिए और कुड का यूज परखी हुई क्षमता बताने के लिए, ये अंतर दिमाग में आप रखना। तो परमिशन के लिए भी कुड का यूज हम करते हैं, लेकिन कैन और कुड में एक अंतर है। हाँ, परमिशन के लिए जब हम कैन का यूज कर रहे थे तो आपको याद होगा या तो वो फैमिली या फिर फ्रेंड्स। लेकिन कुड का यूज जब हम परमिशन के लिए करते हैं तो बेहद ही वो पोलाइट होता है, विनम्र होता है, और वो अजनबियों के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जिससे आपका सीधा संबंध ना हो। कहने का मतलब, जहां पर दिखावटी विनम्रता करनी हो वहां पर परमिशन के लिए कुड लगता है। तो सेकंड यूज लिखिए, पोलाइट परमिशन, विनम्र आज्ञा। साधारण परमिशन के लिए कैन, पोलाइट परमिशन के लिए कुड। हाँ, सेकेंड यूज पोलाइट परमिशन, कॉपी पे लिखते जाइए। एग्जाम्पल दोनों लिखिए, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूं? कुड
Could I take your book? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं? दोनों सेंटेंस देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जिससे भी मांग रहे हैं वो आपसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, नहीं तो could का यूज नहीं होता. Could I borrow your dictionary? या could I take your book? तेजी से लिखिए. तो could का एक और यूज है, बिल्कुल can की ही तरह, वो भी रिक्वेस्ट है, लेकिन इस बार रिक्वेस्ट पोलाइट है. थर्ड यूज, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र. हाँ, आपको मैंने परमिशन और रिक्वेस्ट में अंतर बताया था. जब खुद करने करना हो तो परमिशन, किसी और से करने के लिए कहना हो तो रिक्वेस्ट. तो थर्ड में लिखिए पोलाइट रिक्वेस्ट. पहला एग्जांपल इसका लिखिए, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली. अगर कोई बात आपको सुनाई नहीं पड़ी और आप चाह रहे हैं कि दोबारा वो बोले और वो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं है, तो कैन ना लगाकर कुड, कि क्या आप इसे दोबारा और धीरे धीरे बोल सकती हैं. कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, नोट कर लीजिए. एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेकेंड एग्जाम्पल. कुड यू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर मी. कोई लड़का है जो सब्जी मंडी जा रहा है, लेकिन आपका बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस बहुत थोड़ी सी जान पहचान है, तो आप उससे बोल दिए कि क्या भैया थोड़ी सब्जी मेरे लिए भी ला सकते हैं आप. Could you bring some vegetables for me? नोट कर लीजिए. Could you bring some vegetables for me? तो ये थे could के तीन uses, बिल्कुल can से मिल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा differ है. ठीक है, तो इस डिफरेंस को क्लियर रखिएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में आता है, तो आप सही से भर सकें कि कहां कैन कहां कुड. अगला मॉडल एक्सिलरी जिसको हम आज पढ़ेंगे वह है यूज ऑफ मे. तो मे के यूज में एक बात बहुत ही फेमस है कि मे का यूज होता है थ्री पी के लिए. किसके लिए? थ्री पी. अभी लिखेंगे नहीं, समझेंगे. पहला देखिए परमिशन, परमिशन की स्पेलिंग किससे शुरू है? पी. दूसरा पॉसिबिलिटी, परमिशन मतलब आज्ञा, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना. और तीसरा प्रेयर. तो तीनों की स्पेलिंग पी से शुरू है, तो मे के यूज के लिए कहा जाता है कि मे का यूज थ्री पी के लिए होता है. पर अभी नोट नहीं करिए, समझिए पहले परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रेयर. तो मे का परमिशन भी मीडियम है और पॉसिबिलिटी भी मीडियम है. तो पहले समझिए मीडियम परमिशन क्या होगा. व्यक्ति आपसे परिचित भी है और फिर भी वहां रिस्पेक्ट देने की जरूरत है. हाँ, आपसे परिचित भी है और फिर भी वहां इज्जत देने की जरूरत है, तो ऐसे केस में न तो कैन लगता है न कुड, क्योंकि कैन जरा भी इज्जत नहीं देता और कुड चापलूसी में बदल जाता है. तो इन दोनों के बीच का है मे. जैसे टीचर से अगर परमिशन लेनी होती है तो आप गेट पर आकर क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर. क्योंकि टीचर आपका परिचित भी है लेकिन वहां रिस्पेक्ट देने की भी जरूरत है. और ऐसे ही पॉसिबिलिटी भी जो मे दिखाता है वो मीडियम, ना तो बहुत ज्यादा संभावना ना ही बहुत कम संभावना. ठीक है,
अब नोट करिए, परमिशन ब्रैकेट में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे, आगे एग्जांपल लिखिए, मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या मैं एक चाय और ले सकता हूं। नोट कर लीजिए, मे में पहला परमिशन और एग्जांपल लिखेंगे मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, टी मैंने पढ़ दिया था लास्ट टाइम, क्या मैं एक और कप कॉफी पी सकता हूं। पॉसिबिलिटी में लिखेंगे आई मे फिनिश माई होमवर्क, हां मैं अपना होमवर्क समाप्त कर सकता हूं, इस बात की संभावना है कि मैं अपना होमवर्क खुद से कर सकता हूं बिना किसी के मदद से। आई मे फिनिश माई होमवर्क। और प्रेयर में मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो मे का यूज कहीं कॉर्नर पर लिख लेंगे, थ्री पी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रेयर। परमिशन भी मीडियम है, ना तो बहुत ज्यादा क्लोज है ना ही बहुत ज्यादा अजनबी है व्यक्ति। पॉसिबिलिटी भी मीडियम है, ना तो बहुत अधिक संभावना ना बहुत कम, मध्यम संभावना। अगर आकाश में मीडियम बादल हैं तो मे लगाइएगा, बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो मत बोलिएगा इट मे रेन, इट मे रेन का मतलब मध्यम संभावना है। लिख लिया है आपने तीनों, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रेयर। तो आज का लास्ट मॉडल एक्सिलरी है माइट। माइट का यूज टू पी के लिए होता है, कौन सा टू पी, पॉसिबिलिटी और परमिशन, मतलब यहां पर प्रेयर नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया था, नोट नहीं करिए अभी समझिए, अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि मीडियम पॉसिबिलिटी है तो मे लगेगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्यादा और कम में क्या लगेगा, तो अगर बहुत ज्यादा है तो मस्ट लगता है और अगर बहुत कम है तो माइट लगेगा। तो जहां पर आप लिखिएगा पॉसिबिलिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लो, कैसी संभावना, कम संभावना। माइट कम हां अभी नोट नहीं करिए। सेकंड है परमिशन, तो माइट का यूज जब हम परमिशन के लिए करते हैं तो बिल्कुल ये कुड जैसा होता है, तो अगर आपको कुड याद होगा तो बहुत ही विनम्र निवेदन होता है, बहुत ही विनम्र परमिशन, पोलाइट परमिशन, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो आपसे परिचित नहीं है और आपको वहां खूब इज्जत देनी है, दिखावटी इज्जत। अब नोट करिए पॉसिबिलिटी ब्रैकेट में लो, एग्जाम्पल वी वुड बेट, वी हैड बेटर फोन टुमारो, बेहतर है कि हम उन्हें कल फोन करें, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, शायद अभी वो अपना डिनर कर रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल। माइट का फर्स्ट यूज पॉसिबिलिटी, उसके आगे एग्जाम्पल लिखिए। सेकेंड परमिशन, कैसी परमिशन, बिल्कुल कुड वाली, अजनबियों से, आप चाहे तो विनम्र परमिशन के लिए माइट लगाएं चाहे कुड लगाएं, दोनों बराबर होता है। तो परमिशन में लिखिए माइट आई टेक यू बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं।
माइट आई टेक योर बुक। तो माइट के यही दो यूजेज हैं, तो आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं टू पी, पहला पी पॉसिबिलिटी, दूसरा परमिशन। तो मेक का यूज 3P, माइट का यूज 2P। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अपनी नोट्स रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।